आज हम बात करेंगे सबसे महंगे इंजेक्शन के बारे में जिसकी प्राइस बहुत अधिक होगी। तो उस इंजेक्शन का नाम है जोलजेंसमा इंजेक्शन। तो इसके अंदर ओनेसेमनोजीन इस तरीके की यानी इसके अंदर चीज दी होंगी। यानी ये इतना महंगा इंजेक्शन है कि हमें अपनी प्रॉपर्टी जायदाद और यानी सब कुछ बेचना पड़ सकता है एक इंजेक्शन की वजह से। तो इसकी जो अमेरिकन जो प्राइस है 2.125 मिलियन है। यानी इंडियन अगर रुपए में इसे कन्वर्ट करें तो 14 करोड़ का ये इंजेक्शन होगा। तो इस इंजेक्शन का जो इस्तेमाल है जो बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है एवेक्सिस इंस नाम से जो कंपनी है इस इंजेक्शन को बनाती है यानी मैन्युफैक्चर्ड बाय जो दिया होगा इस इंजेक्शन पर। तो आप जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इंजेक्शन को देख सकते हो इस तरीके का ये इंजेक्शन होगा। तो इस इंजेक्शन का जो काम है यानी स्पाइनल मस्कुलर यानी एट्रोफी वाले जो मरीज हैं यानी इसे हम SMA डिसीज के नाम से जानते हैं, ये एक जेनेटिक बीमारी है यानी अनुवांशिक कारणों से यानी जेनेटिक रीजन कारण वो होते हैं जो माता पिता के जरिए अपने यानी बच्चे में जो यानी अगर बीमारी है या फिर अन्य लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। इनको हम अनुवांशिक कारण या फिर जेनेटिक रीजन या लक्षण बोलते हैं। यानी ये समस्या होती क्यों है, तो यह समस्या शरीर में SMN1 जीन की कमी के कारण होती है। इसको हम ह्यूमन सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। तो इसकी कमी आने पर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की समस्या बच्चे को होने लगती है। इससे बच्चे की छाती और मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चे को सांस लेने में कठिनाई होती है और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की नसों की जो कोशिकाएं हैं वो मरने लगती हैं और इलाज उपलब्ध इसका सही तरीके से नहीं है। अगर बच्चे को यह इंजेक्शन नहीं मिला तो बच्चे की या फिर कठिनाई बढ़ती गई तो बच्चे की मृत्यु होने के चांसेस रहते हैं। और बच्चे में मस्तिष्क की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाला जो सिग्नल है यह बीमारी के कारण भेजना बंद कर देता है जिससे कि बच्चे को कई तरीके की कठिनाई जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करने में और भी अन्य ढेरों सारी कमी बच्चे में आने लगती है। ट्रीटमेंट ना करने पर बच्चे की डेथ होने की उम्मीद रहती है। तो जोले इंजेक्शन का नाम है जोलजेंसमा। तो हर एक की बस की बात नहीं है इस इंजेक्शन को लगवाना। मेरे ख्याल से इंडिया में मिल जाए तो यानी बहुत बड़ी बात होगी। मैंने आगरा में भी देखा ये इस तरीके के इंजेक्शन, हर किसी के बस की बात नहीं है खरीदने का क्योंकि प्राइस इतनी महंगी है। आपको बाय ऑर्डर किसी कंपनी के थ्रू ये इंजेक्शन मंगाना होगा। अगर आपके किसी परिवार के सदस्य को अगर बच्चे को यह SMA की प्रॉब्लम है यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की समस्या है तो उस कंडीशन में 14 करोड़ रुपए कम नहीं होते, मेरे ख्याल से बहुत अधिक होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गोली चला।